ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू हेमा सिंह का एक्ट्रेस फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो गाइस आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस मैं आप सभी को कोशिश करूंगा कि गाइस एकदम इजी से इजी स्टेप में आपको मैं जो है फोटो ये वाली फोटो एडिटिंग आपको सिखा पाऊं। एंड बस आप लोगों को एक ही चीज करना, बस वीडियो को जो है ना ध्यान से देखना एंड कंप्लीट देखना है, बाकी गाइस एडिटिंग आपको पूरी समझ आएगी एंड आप लोग इजीली कर पाओगे। तो गाइस बस आप वीडियो को पूरा देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो गाइस आप मेरे से इंस्टाग्राम में डायरेक्टली आकर बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोग को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो मैन गाइस, यहाँ से जो आपको अपने मॉडल को ऐड करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने मॉडल का बैकग्राउंड जो है पहले से इरेज कर रखा ताकि जो आपका टाइम है ना वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड को पहले इरेज कर रखा था। एंड जिसको इरेज करना नहीं आता ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग उसको वॉच कर लेना, आपको इजीली उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस जब आप अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस यहाँ पे जो है मतलब कि आपको ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि जो आपका मॉडल है वो मतलब कि एकदम मतलब जो एक्ट्रेस है उसके साइड में आया कि नहीं आया। एंड जो हाइट वगैरह ना गाइस वो अपने आप से मतलब कि अंदाजा लगा के आप सेट कर लेना। ठीक है भाई गाइस, आपको इरेजर टूल में जाना है एंड यहाँ पे हार्डनेस को फुल करके आपको जो है कुछ ये वेस्ट वाला पार्ट है जो इस साइड को आ रहा है आपको उसको सिंपली यहाँ पे इरेज कर लेना है। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से करना है टाइम लगा के, ताकि जो है मतलब कि जितना अच्छा इरेज करोगे गाइस उतनी अच्छी फोटो एडिटिंग होगी। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इरेज करना है एकदम टाइम देके। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि जो है आपका भी टाइम बचे एंड जो मेरी वीडियो भी है वो जल्दी ख़त्म हो। सो गाइस इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे अभी आपको अपनी फोटो को जो है डन नहीं करना है, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको ब्लैक कलर की शीट एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद जाना आपको इरेजर टूल में जाने के बाद आपको इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना, ब्रश के लेने के बाद साइज को जितना रखना है गाइस। ठीक है, एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है एंड गाइस इतना कर देने के बाद आपको जो है बीच में कुछ स्टेप्स ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि शेडो बनानी है मतलब कि। ठीक है, शेडो वाला फील देना है एंड मतलब गाइस जब आप फोटो एडिटिंग करोगे और गाइस उसमें शेडो नहीं बनाओगे तो यार फोटो रियलिस्टिक कैसे लगेगी, है ना, तो इसलिए भी आपको शेडो भी बनानी है यहाँ पे। तो गाइस अगर आप, मैं तो आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आपको किसी और तरीके से शेडो बनानी आती है तो गाइस आप उस तरीके से ही बना सकते हो, हमें बस शेडो से मतलब है, हमें किस तरीके से बनाना है वो मैटर नहीं करता है। तो गाइस आप शेडो जो है किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको जो शेडो बन जाएगी जब आपको, तो यहाँ पे ओपेसिटी जो है ना गाइस इसकी आपको मतलब अराउंड कुछ रखनी, कम से कम रखनी है। ठीक है, अराउंड 20 और 15 के बीच में रखनी है। ठीक है, शेडो का जो ओपेसिटी है एंड उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फोटो को कर देना है डन। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना है दोबारा ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना है एक विग्नेट का PNG जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। तो आपको कुछ स्टेप्स इसको फुल स्क्रीन करना है एंड कुछ स्टेप्स से जो है यहाँ पे मतलब कि आपको अपनी फोटो में ऐड कर देना है, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, बस आपको उसको फुल स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे अपनी फोटो को डन। अब गाइस यहाँ पे हमारा पिक्सआर्ट का काम खत्म हो जाता है, तो अब हम इसको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सेव कर लेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, आपको जो गाइस ये कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है गाइस इसको यहाँ पे आपको प्लस करना है थोड़ा सा एंड जो हाईलाइट्स दिख रहे हैं गाइस आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम करना है एंड उसके बाद जो है यहाँ पे शेडो जो दिख रहा है गाइस आपको उसका शेडो जो है यहाँ पे आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है एंड जो वाइट है इसको वाइट को जो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इंक्रीज कर देना है एंड जो ब्लैक है गाइस, ठीक है, इसको यहाँ पे आपको बढ़ा देना है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा फोटो में जो मतलब कि एक्ट्रेस है उसका फेस जो है ज़्यादा उसमें सैचुरेशन ज़्यादा है एंड जो मॉडल है उसका सैचुरेशन कम है, तो अभी हमें उसके लिए भी कुछ करना है। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल कलर्स में जाके वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे एंड जो टेम्परेचर है इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। फिर जाएंगे कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन हम थोड़ा माइनस करेंगे एंड येलो कलर में जाएंगे, इसका ह्यू जो है हम माइनस की तरफ करेंगे एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है क्योंकि ब्लू कलर जो है हमें ज़्यादा नहीं चाहिए इस फोटो में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे सिलेक्टिव टूल में, यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्कल वाला जो ऑप्शन है इसको लेंगे हम एंड उसके बाद आपको अपने फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से करना है एंड उसके बाद आना आपको कलर्स में, आपको इसका सैचुरेशन जो है आगे की तरफ बढ़ा देना है
ठीक है, मतलब जब पूरा फुल कर दोगे तो यार थोड़ा सा पर्पल कलर आ जाएगा इसमें, बट आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको अराउंड 60 तक कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे लाइट वाला ऑप्शन में, आपको इसका एक्सपोजर बढ़ाना है। ठीक है, मतलब गाइस कि एकदम सेम तो मतलब नहीं हो पाएगा एक्टर जैसा फेस, क्योंकि यार हम रियल में भी ऐसे वैसे नहीं है, तो इसलिए आपको जो है अपने हिसाब से देख के एंड उतना ही सेचुरेशन आपको अपने फेस पे बढ़ाना है। फिर आपको कलर के नीचे वाले टूल में जाना, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है। ठीक है, एंड इसके बाद नीचे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नॉइज रिडक्शन दिख रहा है आपको गाइस उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस चलिए मिलता हूँ सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक लेक गुड बाय।